रिसेंटली ये वाली फोटो 91.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की बिकी है, ये वाली फोटो 29 मिलियन की और ये वाली 23.7 मिलियन की। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार एक फोटो इतने करोड़ की बिक रही है तो क्या भाई तू लेगा? ऑन द सीरियस नोट वो ब्लैंक हो गया कि भैया इतने मिलियन की फोटो खरीदूं, पागल वागल समझा है क्या? मैं डाउनलोड कर लूंगा या स्क्रीनशॉट ले लूंगा अगर मुझे ज्यादा पसंद है। और टेक्निकली देखा जाए तो एक नॉन टेक्निकल बंदे से इस तरीके से आप पूछोगे तो जवाब भी आपको यही मिलेगा। तो इस तरह के कंफ्यूजन जो हैं वो बहुत सारे लोगों को हैं कि एनएफटी का पूरा इकोसिस्टम चल कैसे रहा है, कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो इतना महंगा क्यों खरीद रहा है और खरीदने के बाद उसका करेगा क्या। तो एनएफटी का पूरा सीन क्या है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, आप कैसे बना सकते हो, कैसे कमा सकते हो, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एनएफटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि तो इस वीडियो में जो भी स्टेप्स बताऊंगा वो सब स्टेप्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं जी एनएफटी को। एनएफटी को मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजेबल टोकन, ऐसा टोकन जो कि एक्सचेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और 100 रुपीज़ का नोट है जी मेरे पास, अगर हम उसको एक्सचेंज भी कर लें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एनएफटी के केस में ऐसे काम नहीं होता, एनएफटी को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। एनएफटी में जो टी है वो रिप्रेजेंट करता है जी टोकन को। आपके फ़ोन में कोई भी वीडियो या फोटो डाउनलोडेड है वो आपकी है? नहीं है, जनरल सी बात है। जो टोकन है वो यही काम करता है, वो वैलिडेट करता है इस चीज़ को कि जो आपके फ़ोन में फोटो है या डाउनलोड वीडियो है वो आपने बनाई है या किसी और ने बनाई है, और ये बात हर किसी को माननी पड़ती है। अब हम बात करते हैं जी एनएफटी की फॉर्म्स के बारे में। एनएफटी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे कि जीपीजी, पीएनजी या कोई भी वीडियो। कोई भी डिजिटली क्रिएटेड कंटेंट जो है वो एनएफटी हो सकता है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो को फ्यूचर में सेल करना चाहूँ तो ये भी एक एनएफटी के तौर पे काम कर सकती है। एनएफटी में डील करते वक्त आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि एनएफटी जो है वो अपनी ही जगह पर रहता है, सिर्फ उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि अब एनएफटी ये वाला फला फला आदमी के पास है। तो जैसे हमारे शॉपिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स बने हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया वगैरह वगैरह, वैसे ही एनएफटी के लिए भी मार्केट प्लेसेस हैं। कुछ जो फेमस मार्केट प्लेसेस हैं उनका मैं आपको नाम बताता हूँ, जो आपने पहले शायद सुना भी हो, जैसे कि वजीर एक्स एनएफटी या ओपन सी। तो इनको डिटेल में और देखने के लिए हम इन प्लेटफॉर्म्स को विजिट करते हैं। तो चलिए इन प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है वजीर एक्स एनएफटी के नेम से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनएफटीज लिस्टेड हैं। हम इस वेबसाइट को कर लेते हैं जी ओपन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, किसी भी क्रिएटर का हम वर्क ओपन कर लेंगे जी। यहाँ पर उसके एनएफटीज भी लिस्टेड होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जिसके एनएफटीज को, इसके एनएफटीज यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे जी लोड। आप देख सकते हैं हर एक एनएफटी के नीचे उसकी प्राइस भी मेंशन है और उसके ओनर का नेम भी मेंशन है। इस एनएफटी को हम यहाँ पर कर लेते हैं जी ओपन। इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो है जी 294.23 USDT। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वेबसाइट के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं या आर्ट क्रिएटर होते हैं, वो इसे कैसे अर्न करेंगे। सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ वो क्या करेंगे कि वो एक डिजिटल या आर्ट वर्क को, अपना कोई भी वर्क बनाएंगे, उसको एनएफटी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर लाकर लिस्ट करेंगे और अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल कर देंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो आर्ट के वर्क से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, वो क्या करेंगे, किसी भी डिजिटल क्रिएटर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि मुझे ऐसी इमेज बना कर दे। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे ले लेगा, 2,000, 2,500, 3,000, आपको एक ऐसी इमेज क्रिएट करके दे देगा। आपने क्या करना है, उसको एनएफटी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लाकर जी कर देना है लिस्ट, और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। इसमें एक और अच्छी चीज़ है, जब आप कोई भी एनएफटी किसी को सेल करते हैं तब तो आपको प्रॉफिट मिलता ही है, उसके अलावा जब वो बंदा उस एनएफटी को आगे भी कहीं सेल करेगा तो एज अ रॉयल्टी आपको 2% या 5% या 10% हिस्सा मिलता रहेगा, मतलब कि ये आपकी लाइफ टाइम अर्निंग बन सकती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, एनएफटी सीरीज के सेकंड पार्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई के थ्रू कैसे एनएफटी बना सकते हैं और उसे कैसे अर्न कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो अपने भाई को दें इजाज़त, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।